हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपको न्यूज़पेपर के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी फर्स्ट न्यूज़ है, गुपकार गैंग टू पीएम मीटिंग, डेली पुश टू जेएनके पॉलिटिकल प्रोसेस अमिड ट्रस्ट डेफिसिट। अमिड अ डीप ट्रस्ट डेफिसिट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द सेंटर एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 एंड डाउनग्रेडेड द स्टेट By splitting it into two union territories, Prime Minister Narendra Modi plans to kick-start the political process leading to assembly elections. तो basically center ने जब 370 article abrogate किया था तो जम्मू और कश्मीर को दो union territories में divide कर दिया था, लेकिन अब वहाँ पर finally political process शुरू होने जा रहा है, assembly elections कराए जाएंगे। उसके लिए delimitation commission भी बना दी गई है जो कि constituencies को divide करेगी। Second news, the epidemic is crawling or in retreat. तो जो second wave है कोविड की, वो धीरे धीरे रिट्रीट कर रही है। अब लगभग 50,000 न्यू केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो जो सेकंड पीक थी, जो सेकंड वेव की पीक थी, उसे हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन जो सेकंड वेव के चलते लॉकडाउन था, उससे रिकवरी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है और जो एनपीए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बैड लोन्स में लगभग 60% एडिशन आया फ्रॉम एमएसएमईज। तो द सेकंड वेव ऑफ कोविड हैज़ थॉटेड द रिकवरी प्रोसेस। तो सेकंड वेव जो कोविड की थी, उसने रिकवरी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स में जो कि लॉकडाउन लगे थे स्टेट्स में, उसकी वजह से। और जो डिजीज़ का स्प्रेड था, वो ओवरवेलमिंगली इंपैक्टिंग द एमएसएमई एंड सर्विस सेक्टर्स, जो कि फ्रेश डेटा भी आया, उससे पता चला है कि लोन स्लिपेजेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं विद द बैंक्स एंड द माइक्रो लेंडर्स, फ्रॉम होटल्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन टू ट्रेड एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ द इकॉनमी आर बिगनिंग टू रिपोर्ट अ डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑफ द डिस्ट्रेस, बोथ इन द फॉर्म ऑफ डिक्लाइन इन इनकम्स एंड राइज इन लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट। तो अब लोगों की इनकम भी कम हुई है क्योंकि कोविड 19 की रिकवरी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी सेकेंड वेव की वजह से, और इसके अलावा लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। या फिर थर्ड न्यूज़, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टेड बट सेंटर पोस्टेड टू हेल्प रामदेव गेट स्कूल बोर्ड। तो एक बोर्ड बनने की बात हुई थी जिसका नाम था भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट था MSRVVP, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था कि नहीं, ऐसे नहीं बनना चाहिए, कुछ प्रोसेस में कमी है। लेकिन उसके बाद भी सेंटर ने हेल्प किया रामदेव को कि ये स्कूल बोर्ड उन्हें मिल जाए। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले स्कूल बोर्ड बनाने की बात क्यों हुई थी? तो डिसीजन टू आउटसोर्स द भारतीय शिक्षा बोर्ड टू अ प्राइवेट एजेंसी एंड स्नब द उज्जैन बेस्ड MSRVVP इज क्यूरियस, नॉट जस्ट फॉर इट्स टाइमिंग बट ऑल्सो बिकॉज इट मार्क्स अ फ्लिप फ्लॉप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो आइडिया ये था कि इस्टेब्लिश करेंगे न्यू नेशनल स्कूल बोर्ड स्वदेशीकरण के नाम पर, ठीक है, इंडिजनाइजेशन, जिसमें एजुकेशन, ये पहला ये आइडिया मूट किया था रामदेव ने, ठीक है। 2015 में योग गुरु, उन्होंने अपने हरिद्वार बेस्ड वैदिक एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू एक प्रपोजल सबमिट किया था सेंटर को कि हम एक स्कूल बोर्ड बनाएंगे जो कि इंडियनाइज करेगा एजुकेशन को, जिसमें एक मिक्स होगा एजुकेशन ऑफ महर्षि, वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें किस किस का मिक्स होगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी ये दिक्कत क्या है, तो सेंटर ने ओवररूल कर दी थी ऑब्जेक्शन जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ने दी थी, और जो कि क्रूशल एजेंडा था उसमें भी कुछ चेंज देखा गया है। टू पुश द बिड, उस बिड को पुश करने के लिए जो कि बाबा रामदेव ने पेश की थी, बाय द पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट टू सेट अप द भारतीय शिक्षा बोर्ड अ नेशनल स्कूल बोर्ड एंड वैदिक एजुकेशन, ठीक है। तो एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाने की बात की जा रही थी, नेशनल स्कूल बोर्ड एंड वैदिक एजुकेशन। तो एंटायर प्रोसेस को बहुत जल्दी निपटाया गया क्योंकि इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला था 2019 लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। तो यहाँ पर बताए गए उज्जैन बेस्ड महर्षि सांदीपानी राष्ट्रीय वेदा विद्या प्रतिष्ठान एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसको ये सारा काम दिया गया था कि आपको लॉज देने अप्रूवल करना है, मतलब वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे। तो BSV वॉज कंसीव्ड टू बी द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल स्कूल। तो जो भारतीय शिक्षा बोर्ड होता है, वो पहला नेशनल स्कूल होता जो कि स्टैंडर्डाइज करता है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को और ब्लेंड करता है उसे मॉडर्न एजुकेशन से, जैसे कि स्कूल करिकुलम, एफिलिएटिंग स्कूल्स, ऐसा। तो जो वी जडीपाल थे, जो कि सेक्रेटरी थे MSRVVP के और प्रिंसिपल एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको सब कुछ देखना है। जो पतंजलि योग पीठ है, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड बना रहा है, तो उसमें बाईलॉज और इन सब की कंप्लायंस होनी चाहिए। तो बार बार उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें कुछ लीगल कंसर्न्स है। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी 3 बार बोला कि इसमें कुछ लीगल कंसर्न्स है, और उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस भी दी फाइनल लेटर ऑफ अप्रूवल देने के लिए पतंजलि योग पीठ को। हाउएवर जेडीपॉल्स ऑब्जेक्शंस वर इग्नोर्ड, उसके बाद रबर स्टैम्प कर दिया गया ये सारा प्रोसेस और पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाने का अप्रूवल मिल गया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनाने की बात की क्यों गई थी, तो वो इसलिए की गई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो वेद भूषण या वेद विभूषण से अपना क्लास 10th और 12th करते हैं, तो उनकी डिग्रीज को वो रिकग्निशन नहीं मिलता है, ना ही उनको इक्विवेलेंट समझा जाता है जैसे CBSE और ICSE की डिग्रीज से।
तो बट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल एजेंडा टीम द गवर्निंग काउंसिल डिसाइडेड दैट द भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो पहले ही बात हुई थी कि वैदिक बोर्ड बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर सेंटर ने बोले एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाएंगे जिसमें ब्लेंड होगा वैदिक और मॉडर्न एजुकेशन का। और MSRVVU को काम दे दिया गया कि आपको मॉडल बायलॉज ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट करनी इसके लिए और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इन्वाइट करना है। तो बेसिकली तीन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था जिसमें से पतंजलि योगपीठ का सिलेक्ट किया गया क्योंकि पतंजलि योगपीठ ज़्यादा डेवलपमेंट फंड ऑफर कर रहा था 21 करोड़ का। अब MSRVVU रिलीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें तीन लोग आए थे जिसमें पतंजलि योगपीठ को दिया गया था रिकमेंडेशन फॉर पतंजलि टू सेटअप BSB एंड गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो अब जैसे पतंजलि को बोल दिया गया कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाओ, उसके साथ ही साथ MSRVVU को भी बोल दिया गया कि आप अपना राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड बना सकते हो जो सिर्फ वैदिक स्टडीज़ होंगे, उसमें मॉडर्न का कुछ ब्लेंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद March 5, 2019 को जेडीपाल ने मिनिस्ट्री को बोला कि हमें एक रिटर्न ऑर्डर चाहिए होगा गवर्नमेंट को, उससे पहले अगर हम फॉर्मल लेटर देना चाहते हैं पतंजलि योगपीठ को। उन्होंने बोला कि वो इसलिए करें क्योंकि उनके एडवाइस ऐसी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें एक फॉर्मल लेटर चाहिए होगा, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ओरल इंस्ट्रक्शंस पे हम नहीं दे सकते हैं। तो जेडीपाल रोड टू जावेडकर दैट ही हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शंस, कि उनको मिनिस्ट्री से सिर्फ ओरल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप फाइनल ऑर्डर्स इमीडिएटली दे दो पतंजलि योगपीठ को कि उनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है ऐसा बोर्ड सेट करने के लिए, ठीक है। पर इनका ये कहना था कि इसमें गवर्नमेंट का रिटर्न अप्रूवल चाहिए होगा और इसे न्यू पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग मॉडर्न एजुकेशन विद वैदिक एजुकेशन ही एडेड इज आउटसाइड द मैंडेट ऑफ द MSRVVU। तो सिर्फ आप ओरल के बेसिस पे मिनिस्ट्री ने एक ओरल ऑर्डर दे दिया उसके बेसिस पे हम पतंजलि योगपीठ को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो ब्लेंडिंग की बात है मॉडर्न एजुकेशन को वैदिक एजुकेशन में कर रहा है तो ये MSRVVU के मैंडेट से ही बाहर है क्योंकि हम सिर्फ वैदिक एजुकेशन से डील करते हैं, MSRVVU का ये कहना था। इसलिए हैंस नीडेड टू अप्रूव्ड, तो ये जो ऑर्डर है इनको अप्रूव करने की जरूरत है बाय द गवर्नमेंट एज अ न्यू पॉलिसी। तो ये पूरा मैटर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब RPVVPs, तो ये क्या RPVVs क्या हैं? तो ये नेटवर्क हैं 22 रिसोर्स रिच दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के। अनलाइक अदर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, इसमें एक्सक्लूसिव और एडमिशन्स होते हैं जो कि क्लास 6 से लेकर 11 तक होते हैं थ्रू कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो कि गिफ्टेड होते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज एक्सेलेंस होती है उनके अंदर। तो लास्ट ईयर ड्यू टू द कोविड सिचुएशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बोला था कि वो इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं करा रहे और इस बार 6th में एडमिशन भी नहीं लिए गए, 11th में एडमिशन लिए गए वो भी मार्क्स की बेसिस पर लिए गए। तो RPVVS ये दिल्ली के रिसोर्स रिच नेटवर्क है स्कूल्स का जिसमें स्पेशलाइज्ड डोमेन में पढ़ाई होती है। तो एन एजुकेशन ऑफिशियल सेड दीज एडमिशंस आर गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड सच दैट द क्लासेस विल बिगिन ओनली फ्रॉम क्लास 10। देयर विल बी नो फ्रेश एडमिशंस, क्लास 11 से 9th से नीचे कोई फ्रेश एडमिशंस नहीं होंगे। और अब बेसिकली अब इनका आइडिया है कि इन मॉडल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सब्ज्यूम्ड इनटू द नेटवर्क ऑफ स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस वी आर डेवलपिंग। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी है कि स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस बना रहे हैं जिसमें कि ये जो RPVVs हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो एग्जिस्टिंग जूनियर मोस्ट बैच विल कंटिन्यू टिल क्लास 12। तो ये है अब ये जो नया बना रहे हैं ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, उसमें RPVVs भी आ जाएंगे जो कि पार्ट होंगे 100 स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस स्कूल्स के। और हर स्कूल्स को प्रपोज होगा कि वो एक डोमेन ऑफ स्पेशलाइजेशन रखे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम में से कुछ, इसके अलावा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, तो एक स्पेशलाइजेशन डोमेन होना चाहिए उनका। तो RPVVs ये सब आपको पता होना चाहिए, इसमें एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, पे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली के जिम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि COVID-19 की वजह से काफ़ी टाइम तक जिम बंद रही है। तो ये अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कॉम्पनसेशन में लीव स्टेट्स विद इनसफिशिएंट फंड्स गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात हो रही थी कि COVID-19 की वजह से जो डेथ्स हुई हैं उनके किन को लगभग 4 लाख रुपए देने चाहिए। तो सेंटर का ये कहना अगर स्टेट्स इतने ज़्यादा पैसे देंगे तो जो स्टेट होंगे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा और स्टेट्स के पास अभी इतने रेवेन्यू है नहीं। तो द सेंटर हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट मोर देन 3.86 लाख पीपल हैव डाइड ड्यू टू द COVID-19 इन द कंट्री। तो लगभग 3,86,000 लोगों की मौत हो गई COVID-19 की वजह से। अगर कॉम्पनसेशन 4 लाख का सारे लोगों के किन को दिया जाए तो इट में पॉसिबली कंज्यूम द एंटायर अमाउंट ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो जितना भी स्टेट के पास स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में है वो सारा कुछ कंज्यूम हो जाएगा और स्टेट्स के पास फिर बहुत इनसफिशियंट फंड्स बचेंगे अगर आगे पैंडमिक की कोई वेव आती है तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर प्रोविजन ऑफ वेरियस एसेंशियल सप्लाईज, जैसे कि स्टेट्स को सप्लाईज का ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके पास इतना कुछ रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। तो सेंटर सबमिशन केम इन रिस्पॉन्स टू अ प्ली। तो एक प्ली आई थी जिसमें ये सी किया था कि एक्स ग्रेशिया देना है ऑफ ₹4 लाख ईच टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु सकम टू द वायरस।
तो उन्होंने एफिडेविट में अपने बोला कि गवर्नमेंट फोकस करिए कि एक ब्रॉडर अप्रोच होनी चाहिए जिसमें हेल्थ इंटरवेंशंस करे गवर्नमेंट, सोशल प्रोटेक्शन दे, इकोनॉमिक रिकवरी दे अफेक्टेड कम्युनिटीज को, जो कि बाकी दुनिया में और भी देशों की गवर्नमेंट कर रही है। तो ये ज़्यादा प्रूडेंट, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल अप्रोच होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम सारे जिन फैमिलीज़ में किसी ने कोविड को उससे सकम किया उसको 4 लाख रुपए दे, तो उससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये होगी। तो द गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट कि पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल, तो इसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा जाएगा, तो स्टेट के पास इतने फाइनेंसेस है नहीं कि ये अफोर्ड कर सके, तो इससे फिस्कल अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। साथ में ये भी बोला कि फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे भी क्रंच में है क्योंकि टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रिडक्शन हो चुका है टैक्स रेवेन्यू में, और जो हेल्थ एक्सपेंसेस उस पर सेंट्रल स्टेट का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ऐसे में हमारे स्केयर्स रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सग्रेशिया देने के लिए यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा यूज़ नहीं होगा हमारे रिसोर्सेज का, तो ऐसा उनका कहना है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ है पुश फॉर कैश अमिड कोविड। तो कोविड में देखा गया कि लोगों ने अपनी एफडी तोड़ दी, ज़्यादातर उन्होंने पैसा कैश में रखा, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक किससे पता चला था, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट से पता चला, लेटेस्ट डेटा जो उन्होंने रिपोर्ट किया क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो कि रिलीज़ करता है आरबीआई। तो इसमें ये ट्रेंड दिखाया गया कि जो लोग हैं अपनी कैश होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैंडेमिक में फाइनेंशियल इम्पैक्ट की वजह से उन्होंने ऐसा किया। लगभग 159 डिस्ट्रिक्ट्स इन 25 स्टेट्स सॉ डिक्लाइन इन टर्म फिक्स डिपॉजिट्स। तो लगभग 159 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया कि जो फिक्स डिपॉजिट्स उसमें डिक्लाइन हुआ है। बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इसलिए ऐसा हुआ है, लोग ज़्यादा अपने पास लिक्विडिटी इसलिए रख रहे हैं विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम सेविंग्स एंड टर्म डिपॉजिट्स, क्योंकि लाइवलीहुड नीड्स और मेडिकल इमरजेंसीज से डील करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास अभी लाइवलीहुड का कोई चारा नहीं है और उनके पास इतने पैसे आ नहीं रहे, इसलिए उन्हें अपनी एफडी तोड़ के पैसे कैश में रखने पड़ रहे हैं। तो मतलब हमारे देश में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा कैश बढ़ता चला जा रहा है। तो द डेटा रिलीज ऑन May 28 आर इन लाइन विद द ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ राइजिंग कैश होल्डिंग्स विद पीपल ऑफ द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कैश होल्डिंग्स ऐसे लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डेली सी ब्लाइंडनेस। तो चाइना और इंडिया के मैरिटाइम को यहाँ पर कंपेयर किया गया। तो चाइना हैज़ नॉट ओनली ओवरटेकिंग द US नेवी नंबर्स, तो चाइना ने US नेवी को नंबर्स में भी ओवरटेक कर दिया, साथ ही वर्ल्ड की टॉप शिप प्रोड्यूसिंग नेशन बन गया है, जिसमें जिसकी लार्जेस्ट मर्चेंट नेवी है, कोस्ट गार्ड सबसे बड़ा है, फिशिंग फ्लीट सबसे ज़्यादा अच्छी है, साथ ही मैरिटाइम मिलिशिया इन द वर्ल्ड। अगर कंपटीशन करें चाइना और इंडिया का, तो इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर्स में तो कंपटीशन देखते ही, जबकि इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर्स में भी बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक है, उसके बाद भी मेक्स इट इनएविटेबल दैट द टू विल रिमेन राइवल्स इन द एशियन स्ट्रेटेजिक स्पेस। अगर हम देखें तो COVID-19 पैंडेमिक में बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ चाइना में, ठीक है, चाइना ने रीअफर्म कर लिया वापस से अपने, और साथ ही जो चाइना है जो स्टेटस को है ईस्टर्न लद्दाख में वो भी मेंटेन करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है। तो एन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशनिस्ट एंड मिलिटरिस्टिक चाइना विल यूज़ द मैरिटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव टू एक्सपेंड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इंश्योर डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक। तो अब चाइना बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया, $14 trillion की उसकी इकॉनमी है, एक्सपेंशनिस्ट हो गया, उसे अपना एरिया बढ़ाना है, टेरिटोरियल एग्रेशन करना है, साथ में मिलिटरिस्टिक चाइना अब मैरिटाइम सिल्क रूट का यूज़ कर रहा है कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और कैसे इंडो पैसिफिक में अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो PLA की जो नेवीज़ का क्रूशियल रोल है इन सब में, तो अभी हम देखेंगे चाइना ने मैरिटाइम पॉलिसी अपनी कैसे ड्राफ्ट की है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो यर्निंग गैप है बिटवीन द मैरिटाइम कैपेबिलिटीज जो चाइना और इंडिया की है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि चाइना ने अपना पहला इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2015 में लेड डाउन किया था और कमीशन कर दिया था 2018 में, ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कमेंस हुआ था 2009 में और आज 2021 हो गई, लेकिन अभी तक उसे कंप्लीशन उसका नहीं हुआ है। तो डेबिलिटी की रूट्स बहुत पुरानी चल रही हैं, ठीक है। इंडिया ने अपना पहला लॉन्च किया था मैरिटाइम मॉडर्नाइजेशन प्लान, जिसको एक कैची टाइटल भी दिया गया था सागरमाला 2003 में। चाइना ने भी उसी समय ये सारी चीज़ें शुरू की थी, बट इसका फोकस जो था, जो इंडिया का सागरमाला था, वो सिर्फ रोड और रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट डेवलपमेंट तक ही सीमित था। पॉलिटिशियंस हाउएवर अज्यूम दैट सागरमाला वाज अ पेनिशिया फॉर ऑल ऑफ इंडियाज मैरिटाइम शॉर्टकमिंग्स एंड सोल्ड इट टू द पब्लिक एज सच, लेकिन एक्सक्लूसिव फोकस जो सागरमाला का था वो सिर्फ यही था कि पोर्ट डेवलपमेंट करना है, और इसमें इस बात पे नहीं ध्यान दिया गया कि क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि इंडिया की मैरिटाइम कैपेबिलिटी के उसे कैसे इंप्रूव करना है। क्रिटिकल कंपोनेंट में जैसे कि हो गए मर्चेंट शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, सी बेड एक्सप्लोरेशन, फिशरीज, तो इसके बारे में नहीं, बस पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स, बस इन्हीं बात पर ध्यान दिया गया। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सागरमाला बिकॉज इट इज़ इलस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया सी ब्लाइंडनेस। तो अगर हम सागरमाला को देखें तो हमें उसी बात से पता चल जाता है कि इंडिया कैसे सी ब्लाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, जो सागरमाला के पहला अवतार जब वाजपेयी लेट एनडीए गवर्नमेंट थी 2003 में, तब पहली बार अनाउंस किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे मेजर पोर्ट्स को
हमें इंश्योर करना है कि उनको कनेक्ट कर दिया जाए गोल्डन हाईवे क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवेज बना के, कंट्री वाइड गुड्स ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम पोर्ट्स बना के, और थोड़े टाइम के बाद ही इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया गया क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ गए थे। फिर जब नई गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट 2004 में, उन्होंने सागरमाला को रिप्लेस कर दिया नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्लान 2005 से, ठीक है। लेकिन काम सागरमाला और एनएमडीपी का सेम ही था, ये था कि इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, और एनहेंसमेंट करना है रेल रोड कनेक्टिविटी इन पोर्ट्स में। अगर हम इस प्लान का प्रोग्रेस देखें तो ये बहुत ही हल्का रहा है, बहुत ही टार्डी रहा है। 7 ईयर्स आफ्टर इट्स कमेंसमेंट लोकसभा ने ये इन्फॉर्म किया था कि सिर्फ 276 प्रोजेक्ट होने थे, उसमें से सिर्फ 82 ही कंप्लीट हुए हैं, 30 को ड्रॉप कर दिया गया और 66 अभी प्लानिंग स्टेज में। अगर हम 2011 में जाएं तो यूपीए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो एनएमडीपी को अबैंडन कर रहे हैं और एक नया 10 ईयर प्लान लेके हैं जिसका नाम उन्होंने रखा मैरीटाइम एजेंडा 2010 से लेकर 2020 तक। तो वाइल द सागरमाला 2003 एंड एनएमडीपी 2005 इन्होंने फोकस किया था कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करेंगे और रेल रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लेकिन जो मैरीटाइम एजेंडा 2020 है उसका थोड़ा ब्रॉडर स्कोप था। उसने बोला कि हम 5 लाख करोड़ एनविसाज कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च करेंगे, क्वांटम जंप्स करेंगे शिपिंग टोनेज में, शिप बिल्डिंग, कोस्टल ट्रेड, अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्स, कार्गो हैंडलिंग एंड अदर कैपेसिटीज। तो पहले जो पोर्ट का कनेक्शन कर रहे थे उसके साथ साथ शिप बिल्डिंग और कोस्टल ट्रेड पर भी हम पैसा खर्च करेंगे। तो हाउएवर अगर हम देखें मैरीटाइम एजेंडा तो दो अकाउंट्स में ये बहुत ही अंडरमाइन करता है। पहला अकाउंट ये है, इट हैड सेट एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक टारगेट्स। इसके टारगेट्स बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक थे क्योंकि इसका टारगेट ये था कि शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को हम 7-8 सालों में लगभग 5 गुना कर देंगे और कार्गो की इन्हेंसिंग इंडियन पोर्ट से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट है। सेकेंडली, इट शोड क्लियर साइंस ऑफ कन्फ्यूजन इन द मिनिस्ट्री, क्योंकि साइटिंग इटसेल्फ एज द रोड मैप टू गाइड दिस मिनिस्ट्री इन वन प्लेस व्हाइल स्टेटिंग एल्सवेयर दैट इट वाज मोर एन एजेंडा फॉर कंसिडरेशन रादर देन एजेंडा फॉर एक्शन। प्रेडिक्टेबली एमिट 2020 फेल टू अचीव, तो फिर जो इन्होंने सोचा था इनके अनरियलिस्टिक टारगेट की वजह से अचीव नहीं कर पाए, उसके बाद नए प्लान के साथ आए। तो एनडीए गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 2014 followed the earlier practice and having terminated MA 2020 and revived the Sagarmala project. तो NDA government 2014 में आई तो उन्होंने मैरीटाइम एजेंडा को टर्मिनेट कर दिया, सागरमाला प्रोजेक्ट को वापस लेके आए। तो सागरमाला 2015 भी उसी चीज़ों पर फोकस कर रहा था, मॉडर्नाइजिंग पोर्ट्स एंड एनहेंसिंग कनेक्टिविटी, ठीक है। दिस वर्जन ऑफ सागरमाला हेल्ड आउट ग्रेटर होप बिकॉज इट हैज़ स्ट्रक्ट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। लेकिन इस बार सागरमाला में एक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क था कि प्रोग्रेस मॉनिटर होगी, लेकिन अगर डेटा देखें अभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग सागरमाला प्रोजेक्ट ट्रैकर का, जो कि सितंबर 2019 में आखिरी बार अपडेट किया गया था, उसमें ये बोला कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन रेट वैसे ही है जैसे कि पहले के प्रोजेक्ट में हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैरीटाइम एजेंडा, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्लान, तो इस बार भी कुछ बदला नहीं था। टेलिंगली प्लान का ये एम था लगभग हम 40 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे और 60 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 10,000 जॉब्स ही क्रिएट हुई थी। इनिशिएटिंग प्रोग्राम्स विद इनअप्रोप्रिएट एम्स, तो ऑथर ने ये बोला कि जो इंडिया प्लान्स बना रहा है, जो भी प्रोग्राम्स बना रहा है, उसके एक तो इनअप्रोप्रिएट एम्स होते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, और बीच में प्रोजेक्ट को या तो छोड़ देते हैं या तो उसको रीनेम कर देते हैं, ना ही उसका फेथफुल इंप्लीमेंटेशन किया जाता, तो इसकी वजह से हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी इतनी डिस्मल स्टेट में है। तो ये एक ऐसा टाइम है कि इंडिया एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाए मैरीटाइम सेक्टर के लिए, एक 50-ईयर पाथ के लिए बनाए, लगभग 50 सालों के लिए एक मैरीटाइम स्ट्रैटेजी बनाए और पार्लियामेंट अप्रूवल हो, और ये भले ही गवर्नमेंट चेंज हो पर ये मैरीटाइम स्ट्रैटेजी सेम रहे, ये नहीं हर गवर्नमेंट आ रही बार बार स्ट्रैटेजी चेंज कर दे रही। तो नेशंस विच वर लैगिंग बिहाइंड इंडिया फ्यू डेकेड्स अगो, तो ऑथर का ये कहना है जो नेशंस इंडिया से कुछ सालों पहले तक पीछे थे वो आगे बढ़ गए क्योंकि उनका डायनेमिज्म और विजन मैरीटाइम अरिना में बहुत अच्छा है। जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ ज़्यादातर ओवरलोडेड है, तो इनएफिशिएंट है, हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मर्चेंट फ्लीट भी इनएडिक्वेट है, और जो कि बहुत स्नेल पेस से बढ़ रही है आगे आगे, सी बर्ड एक्सप्लोइटेशन भी अभी तक टेक ऑफ हुआ नहीं है, फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत पीछे है, और ह्यूमन रिसोर्सेज हर जगह लैक कर रहे हैं। तो ऑल आइज आर फोकस सी बर्ड्स एंड नेवल पावर इज गोइंग टू प्ले डिसाइसिव रोल, तो ऑथर का ये कहना है कि आगे वाले कुछ सालों में नेवल पावर ही होगी जो कि डिसाइसिव रोल प्ले करेगी अगर इंडिया चाइना राइवलरी भी हो रही है तो। बट नेवीज रिमेन हॉलो विदाउट द बैकिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सेक्टर, तो स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सेक्टर के बिना अगर नेवी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आत्मनिर्भरता के रेलेवेंस है तो वो यहाँ पर है कि हमें अपने मैरीटाइम सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो आज 21 जून है, तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, ऐसे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो योगा एक वन ऑफ द ट्रेजर्स है जो कि इंडिया ने दिया है, तो योगा इज़ वन ऑफ द ट्रेजर दैट हैज़ बीन गिवन टू द वर्ल्ड बाय दिस एंशिएंट लैंड कॉल्ड भारत इंडिया। अब योगा किस वर्ड से आया है, तो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द ह्यूमन एंड डिवाइन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, तो संस्कृत वर्ड युज से आया है योगा, असेंशली योगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, योगा की डेफिनेशन है कि बॉडी और माइंड को ऐसे ट्रेन करना ताकि आप हेल्दी और ट्रैंक्विल रह सको, और इसको स्टेट ऑफ समाधि बोलते हैं, अगर आप योगा करते हो तो स्टेट ऑफ समाधि रीच हो जाती है, ये सारी चीज़ें।
अब ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि एग्री एक्सपोर्ट बास्केट को री एग्जामिन करने की क्यों ज़रूरत है। तो एग्री एक्सपोर्ट्स हमारे 2020-21 में लगभग 41.8 बिलियन के हो गए हैं, जो कि पिछले साल से हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है इसमें 18%। तो ऑथर ने बोला ठीक है, ये चीयर का विषय है कि हम खुश हो सकते हैं कि हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, लेकिन ऑथर ने बोला है अगर हम देखें तो इसमें बहुत दिक्कतें हैं इस एग्री एक्सपोर्ट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है राइस 17.7 मिलियन टन्स, ठीक है, उसके बाद राइस के बाद होते हैं मैराइन प्रोडक्ट्स, फिर स्पाइसेस, बोवाइन और ये सारी फिश शुगर। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखो अगर इनकी तो वो इतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल राइस और शुगर हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो राइस और शुगर बहुत ही ज़्यादा वाटर गजलर्स है, बहुत ही ज़्यादा इनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है इन्हें उगाने के लिए, और बाद में इसके अलावा इनको हैवली सब्सिडाइज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है वो फ्री पावर देती है इरीगेशन के लिए, इरीगेशन के लिए आपको फ्री बिजली मिलती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर में यूरिया जो है सेंटर से सब्सिडाइज मिलता है। तो मोर ओवर द एक्सपोर्ट सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट देती है, स्टॉक्स जो हमारे शुगर का स्टॉक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसकी वजह से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी जैसे शुगर के लिए, तो शुगर एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ थे वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडिया से। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और थाईलैंड, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और थाईलैंड ने एक केस भी किया इंडिया के अगेंस्ट WTO। अगर हम राइस पर जाएँ तो अर्लियर रिसर्च बोलता है कि राइस में पावर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज लगभग 15% वैल्यू है। अगर जो सेंटर है वो पावर सब्सिडी या फिर फर्टिलाइज़र की सब्सिडी देना बंद कर दे, तो जो स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा जो सबसे ज़्यादा राइस उगाते हैं वो शायद राइस को अपनी प्रेफर्ड क्रॉप रखें ही ना। अब बिगेस्ट कंसर्न क्या है सर्जिंग राइस और शुगर एक्सपोर्ट्स की, हमारे बहुत ज़्यादा पानी भी खर्च होता है इसमें। इंडिया वैसे भी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री विद पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी लगभग 1544 क्यूबिक मीटर से 2011 में, ठीक है। तो अगर हम एक किलोग्राम अगर राइस भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एनएडल वाटर गजलर राइस नीड्स अराउंड 3000 to 5000 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेटिंग अ केजी। सिर्फ एक किलोग्राम राइस में लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी लग जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक किलोग्राम शुगर में लगभग 2000 लीटर पानी का इनटेक हो रहा है। तो ऑथर ने बोला है इसके अलावा जो राइस है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी जनरेट करता है फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो अगर हम राइस एक्सपोर्ट्स देखें तो क्रॉप हैज़ टू बी फार्म्ड इन अ वाटर एफिशिएंट मैनर। तो अगर हमें राइस एक्सपोर्ट्स करने भी है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वाटर एफिशिएंट मैनर में करें, और जो GHG फुटप्रिंट है वो कम से कम हो, मतलब मीथेन का एमिशन कम से कम हो। फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग, साथ ही डायरेक्ट सीडेड राइस एंड माइक्रो इरिगेशन, उसी से हम वॉर फुटिंग में ये सब यूज़ करें, तभी हम जो वाटर गजलर क्रॉप्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट करना सही समझ सकते हैं, अगर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज़ करके कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर लेवल पर देखो तो एग्री एक्सपोर्ट्स हमारे लोअर हैं पिछले साल 2013-14 के कंपैरिजन में। दैट वाज आल्सो व्हेन अब इंडिया एग्रीकल्चर जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया, उसके बाद भी अगर हम देखें तो 2013-14 के कंपैरिजन में हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स घटे ही हैं, इंडिकेटिंग इंडिया इज बिकमिंग लेस ग्लोबली कॉम्पिटेटिव इन एक्सपोर्ट्स एंड मोर प्रोटेक्शनिस्ट इन इम्पोर्ट्स। अ लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी मस्ट ऑल्सो एम एट कंजर्विंग स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ वाटर एनर्जी। तो ऑथर ने बोला है कि अब हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए वो इस बात पर होनी चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज कम से कम खर्च हो और हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम से कम हो। अगर हम नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स देखें तो वो एक्चुअली MSP से भी कम रेट पर एक्सपोर्ट किए गए, तो दीज एक्सपोर्ट्स आर एक्चुअली सोर्स नॉट ओनली बिलो MSP, यहाँ तक कि एवरेज डोमेस्टिक प्राइस से भी कम है। तो ऐसा कैसे हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है जो PDS में राशन आता है, ये जो PM गरीब कल्याण योजना में जो राशन मिलने वाला था लोगों को, उसका लीकेज हुआ और उसे एक्सपोर्ट किया गया, इसीलिए वो MSP से कम दामों पर एक्सपोर्ट हुआ। तो ऑथर ने बोला हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, उसका एक और रीज़न ये भी है जो PDS और PM गरीब कल्याण योजना है उसका जो राशन है उसके साथ लीकेज हुआ है। तो इट इज़ हाई टाइम कि पॉलिसी मेकर्स फिर से देखें जो राइस और शुगर सिस्टम्स चल रहा है उनका MSP और FRP सिस्टम चल रहा है, क्या वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है? अगर नहीं तो उसे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? तो जो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा देती है तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, एग्रीकल्चर में रिसर्च में यूज़ हो सकती है, जो कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी और इन सब में देती है। तो इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिसी मेकर्स रिविजिट द एंटायर गैमट ऑफ राइस एंड शुगर सिस्टम्स फ्रॉम द MSP FRP टू द प्रोडक्शन इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर। तो हम इंश्योर करें कि हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ऑल्सो एटलीस्ट इन द केस ऑफ राइस प्रोक्योरमेंट विल हैव टू बी लिमिटेड टू द नीड ऑफ PDS, और राइस प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट उतना ही करे जितना PDS के लिए जरूरत है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जो FCI की गोडाउन है उसमें सारा अनाज खराब ही हो जाता है। तो ऑल दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू प्रमोट बेटर डाइवर्सिफिकेशन, और इसके अलावा हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें अपने एग्रीकल्चर को, अपने स्केयर्स वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें, GHG एमिशन कम से कम करें, और अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना करें, क्योंकि सिर्फ
एफसीआई में ग्रेन्स है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, हम इन सेविंग्स को यूज़ कर सकते हैं R&D में करने के लिए, ताकि हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस अच्छी हो पाएँ, हम कार्बन एमिशंस अपने अच्छे कर पाएँ। और एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी में हम कोशिश करेंगे हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम से कम कर सकें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सकते हैं। ओनली देन वन कैन इंश्योर शेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट विद फार्मर्स टू गिव देम अ बेटर डील इन टर्म्स ऑफ हायर एंड मोर स्टेबल इनकम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि मेक बिफोर द स्टेट्स। तो ऑथर ने बोला कि COVID-19 में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि एक नेशनल क्राइसिस है और दोनों के एफर्ट्स की ज़रूरत है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एफर्ट्स की ज़रूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पार्टी कौन सी रीज़न है। दूसरा, डिनायल नहीं होना चाहिए कि मान ही नहीं रहे कि सेकेंड वेव आ गई है, कि पीक पे हम रीच कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें नहीं माना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। फिंगर पॉइंटिंग जैसे सेंटर स्टेट पर पॉइंट करता है, स्टेट सेंटर पर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मीडिया मैनेजमेंट भी हेल्प नहीं करेगा, ऑल मस्ट राइज वन एंड लुक अहेड, तो सबको एक साथ मिलकर इस क्राइसिस से डील करना चाहिए। और ऑथर ने बोला टाइम है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज करेगी हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट्स बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स चला रहे हैं अपने बलबूते पर, कुछ अपने फंड्स और कुछ कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से हेल्प लेकर भी। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हेल्थ विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ विंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो द इम्प्लीकेशन इज दैट इफ एनीथिंग, अगर कुछ भी हेल्थ में अच्छा होता है या कोविड मैनेजमेंट अच्छा हुआ, तो क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो द GOI मस्ट स्टॉप क्लेमिंग NDU क्रेडिट फॉर बेटर हेल्थ केयर एंड मस्ट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट। अब GOI का जहाँ पे रोल था तो वहाँ पे वैक्सीनेशन में रोल था, तो फाइनली उन्होंने अपना रोल समझा और वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट उन्होंने पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। साथ ही में ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी है जो क्रिटिकल मेडिकल गुड्स हैं, अगर उनमें कमी आती है तो वो इम्पोर्ट के थ्रू और डोनेशन फ्रॉम फ्रेंडली नेशंस के थ्रू एक्यूट शॉर्टेज से डील करें। साथ ही में एक स्टैंडर्ड गाइडेंस प्रोटोकॉल होना चाहिए फॉर हेल्थ वर्कर्स एंड कंट्रोल रूम्स। स्टेट गवर्नमेंट एफिशिएंट और वेल फंक्शनिंग कंट्रोल रूम्स बनाए, टेलीमेडिसिन सेंटर्स बनाए, कि जो लोग होम ट्रीटमेंट में हैं वो कम से कम डॉक्टर से टेलीमेडिसिन पे बात तो कर सकते हैं। प्रिंटेड हैंड आउट्स और हैंडबुक्स होनी चाहिए कि लोगों को पता हो मास्क वेयरिंग कैसे करनी, हैंड वॉशिंग कैसे करनी, रिस्क एसोसिएटेड क्या होंगे अगर वो ट्रैवल करेंगे, शॉपिंग करेंगे। अबव ऑल इसके अलावा एक हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोविड मैनेजमेंट में, ठीक, कितने बेड्स हैं, कितनी वैक्सीनेशन है, कितनी सप्लाईज, इन सब चीज़ों के बारे में डेली ब्रीफिंग होनी चाहिए किसी प्रोफेशनल के द्वारा, ना ही एक पॉलिटिशियन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे NDPS एक्ट के बारे में बताया गया कि NDPS एक्ट है क्या। तो नेशनल ड्रग साइकोट्रॉपिक एक्ट एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो कि डील करता है, स्टेट को हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसको ऑपरेशन को, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को ऑपरेशन को। तो एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उन ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए जो कि रिलेटेड होते हैं इलिसिट ट्रैफिक से इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक थ्रू इंप्रिजनमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो NDPS एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो कि स्टेट को हेल्प करता है रेगुलेट और ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स से डील करने के लिए, और साथ ही में एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क है जो कि पनिश करता है अगर कोई भी इलिसिट ट्रैफिकिंग में डील करता है। ठीक है, सेक्शन 27A ऑफ द एक्ट ये प्रेस्क्राइब करता है कि अगर कोई भी ऑफेंडर इंडल्ज होता है फाइनेंसिंग में या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी एक्टिविटीज़ में जो कि सब क्लॉसेज 1 और 8A में मेंशन है, तो उसे लगभग 10 साल से लेकर 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का उस पर जुर्माना हो सकता है। अब ये प्रोविज़न इनऑपरेबल कैसे हो गया, तो बेसिकली 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया था, वो अमेंडमेंट इसलिए किया गया था कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है मेडिकल एक्सेस में, फॉर एग्जाम्पल पेन किलर में यूज़ होता है। तो इन 2014 द NDPS एक्ट वॉज अमेंडेड टू अलाउ फॉर बेटर मेडिकल एक्सेस टू नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स की बेटर मेडिकल एक्सेस हो सके, इसलिए सिंस रेगुलेशन अंडर द एक्ट वॉज वेरी स्ट्रिंजेंट, तो इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर मॉर्फिन का उसके बाद भी जो पेन किलर के लिए ओपियोडल एनाल्जेसिक चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती थी, तो हॉस्पिटल्स को भी वो ड्रग नहीं मिल पा रही। तो 2014 में अमेंडमेंट किया गया था, स्पेशली स्टेट बैरियर्स हटाए जाएँ और कुछ एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स बना दी जाए, उसे सेंट्रलाइज कर दिया जाए कि अगर हॉस्पिटल को ज़रूरत है ड्रग प्रोडक्शन करने के लिए तो उसे मिल पाए, हॉस्पिटल्स को मिल पाए। तो 2014 अमेंडमेंट एसेंशियली रिमूव्ड स्टेट बैरियर्स इन ट्रांसपोर्टिंग लाइसेंसिंग ड्रग्स क्लासिफाइड एज एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स एंड मेड इट सेंट्रलाइज। दिस वॉज डन बाई फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोविजन इन सेक्शन 2 दैट डिफाइंस एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सिक्वेंटली इन सेक्शन 9। तो ऑथर ने बोला है लेकिन जब ये अमेंडमेंट आया गया तो जो सेक्शन 27A है उसको अमेंड करना भूल गए। तो हाउएवर द ड्राफ्टर्स मिस्ड अमेंडिंग द इनेबल प्रोविजन इन सेक्शन 27B। ठीक है, तो उसकी वजह से ये एरर जो था तो ये ब्लैंक हो गया एक तरीके से, सेक्शन 27A पिनलाइज्ड अ ब्लैंक लिस्ट, तो एक ओमिशन होगी ड्राफ्टिंग में। अब ऑथर ने बोला है कि अगर अब ऐसा किया जाए, अब ओमिट किया जाए, तो क्या पिछले में किसी ने अगर ऐसी सज़ा की है, ऐसी गलती की, तो क्या उसे सज़ा मिलेगी। तो ऑथर ने बोला अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जाएं तो आर्टिकल 20 ये बोलता है कि डबल जेपर्डी नहीं होगी। दूसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को
उसके लिए ऑफेंस नहीं माना जाएगा एक्सेप्ट फॉर वॉयलेशन ऑफ द लॉ इन्फोर्स, मतलब आपने आज कोई गलती की है और आज उसकी सज़ा 10 साल है, लेकिन सरकार आज से 2 साल बाद उस गलती की सज़ा 20 साल कर देती है, तो आपको 10 साल ही सज़ा मिलेगी, आपको 20 साल सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते अगर उस टाइम लॉ ऑफ द लैंड में वो नहीं लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 सेज दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वॉयलेशन ऑफ द लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज ऑफ एज एन ऑफेंस नॉर be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law enforced at the time of the commission of the offence। ठीक है, तो उस समय जो offence है उसकी जो सज़ा उतनी ही मिल सकती है, retrospectively आप किसी की सज़ा ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर amendment अभी ले भी आए हैं और उस omission को ठीक भी कर दिया जाए, उसके बाद भी जो constitutional questions है वो तो आते ही आते हैं कि आपके दोबारा सज़ा दे सकते हो, उनको retrospectively apply कर सकते हो। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो रीजन टू कोव टू तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल है जो कि यूके में देखा गया कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट साबित हो रहा है COVID-19 पेशेंट्स के लिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, किसी भी वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए बॉडीज़ प्रोटीन बनाती है जिसको कि एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मिमिक करती हैं एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इनको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ निकालना ह्यूमन ब्लड से और उनको क्लोन करना। तो दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करें, जैसे रीजन कोव टू है, ये जो COVID-19 का स्पाइक प्रोटीन है उसे टारगेट करता है। तो आपको बस ये रीजन कोव टू अगर आ जाए कि ये क्या चीज़ है, तो अब इंडिया में ये अवेलेबल है, तो इंडिया में अवेलेबल कराया जाएगा। ये टाई अप है स्विस ड्रग जाइंट रोशे और इंडियन कंपनी सिप्ला का, तो इंडिया में भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे है कि अब जो ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स है क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आ गए हैं इब्राहिम रईसी, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने आपको जैसे बताया था कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, तो ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती। जो उनके पास पावर है ईरान में बेसिकली वो सारी सुप्रीम लीडर के पास ही है जिनका नाम है अयोतल्ला। तो वाइल देर हैज़ बीन सम कंसर्न रिगार्डिंग द न्यूक्लियर टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ ए हार्डलाइन इब्राहिम रईसी इज द राइस प्रेसिडेंट, एनालिस्ट का ये कहना है कि इलेक्शन रिजल्ट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज बिकॉज सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई हैड ऑलरेडी टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ, कि उन्होंने बोला कि ईरान की जो भी न्यूक्लियर डील्स हैं उसके मैटर में सब कुछ वही देखेंगे। अब ये न्यूज़ आई कि ऑस्ट्रेलिया को अक्यूज़ किया गया कि वो वर्ल्ड की मोस्ट सीक्रेटिव डेमोक्रेसी बनती जा रही है, क्योंकि एक लेटेस्ट हाई प्रोफाइल केस में वो कुछ भी डेटा बता नहीं रहे हैं और कुछ कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए। तो पुलिस हैव ऑल्सो थ्रेटन टू चार्ज जर्नलिस्ट, पुलिस ने ये भी डराया धमकाया कि उन जर्नलिस्ट को चार्ज कर देंगे जिन्होंने क्राइम वॉर क्राइम एलिगेशंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन स्पेशल फोर्सेज लगाए अफगानिस्तान में, ब्यूरोक्रेट्स प्लान को ये सब किया है, अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी टू स्पाई ऑन ऑस्ट्रेलियन सिटीजंस। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशल फोर्सेज से अफगानिस्तान में वॉर क्राइम्स करा उसके बारे में कुछ भी बताया या फिर ब्यूरोक्रेट्स प्लान है इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में वो सब कुछ बताया तो उनको चार्ज कर दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सीक्रेटिव और अपनी डेमोक्रेसी में, तो ये सारी चीज़ें हेल्ड ब्रॉड कंसल्टेशंस ऑन न्यू आईटी रूल्स इंडिया काउंटर्स यूएन कमेंटेटर्स। तो परमानेंट मिशन ऑन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा काउंटर द चार्जेस मेड बाय द 3 स्पेशल रिपोर्टर्स ऑन द न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आईटी रूल्स है उसके बारे में यूएन का ये कहना है, तो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया ने उस पर रिप्लाई भी ये किया है कि हम जो भी ये रूल्स लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, तो हमने सब सारे स्टेक होल्डर से बात की, हेड शॉट व्यूज़ फ्रॉम इंडिविजुअल सिविल सोसाइटी इंडस्ट्री एसोसिएशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ही हमें आईटी रूल्स लेकर आए हैं। तो द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट, और परमानेंट मिशन जो इंडिया का है यूएन में उसने ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया के क्रेडेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और ये सबको पता है। तो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इंक्लोज इन्फॉर्मेशन में बी ब्रॉट टू एट द अटेंशन ऑफ द कंसर्न स्पेशल रिपोर्टर। 3 यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स ने ये बोला है कि इंडिया में प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड ऑफ एसोसिएशन, राइट टू प्राइवेसी, इसका एप्रिहेंशन है न्यू आईटी रूल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये है यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स का ये कहना कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन इंडिया में, राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली है, ये सब खतरे में है जो न्यू आईटी रूल्स हैं उसकी वजह से। तो इंडिया के परमानेंट मिशन ने भी वहाँ पर फिर बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है और हमने स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद ही हम ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। अब जो यूएन उसका ये कहना है, इन देयर लेटर द स्पेशल रिपोर्टर्स हैड सेड दैट द न्यू गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की उसको नहीं फॉलो कर रहा है, जो कि प्राइवेसी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 17 और 19 में गारंटी की गई है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको इंडिया ने भी साइन किया है, तो ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि विड्रॉल हो या तो वापस रिकंसिडरेशन हो की एस्पेक्ट्स का जो भी आईटी रूल्स हैं, लेकिन इंडिया ने बोला ऐसा नहीं है, हमने सारे स्टेक होल्डर से बात करके हम ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं और इसमें सब कुछ डेमोक्रेटिकली ही है। तो अब ये बात, आई होप आपको ये न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।